Hello, good morning students. So, class 12 business studies. So, आज हम discuss करते हैं अपनी new video. New video में आज हम discuss करेंगे अपना topic new economic policy 1991. So, उससे पहले बात कर लेते हैं कल की जो हमारी video थी, यानी जो हमारी last video थी, video number 11, उसमें हमने discuss किया था dimension of business environment. So, आज हम discuss करेंगे अपना new economic policy 1991, यानी 1991 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कुछ तीन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए थे वो, जिसके ज़रिए उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए थे, यानी हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था. सो वो जो भी थ्री न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, यानी वो जो भी तीन मेजर पॉलिसी थी वो क्या क्या थी, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक है. इसके आगे भी हमारे दो टॉपिक थे, जिसमें एक तो इम्पैक्ट थे कि क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं तीन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद, और एक टॉपिक था हमारा डिमोनेटाइजेशन, जो कि दोनों टॉपिक हमारे डिलीट कर दिए गए हैं. सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें वो दो टॉपिक स्टडी नहीं करने हैं. सो एक छोटा सा टॉपिक है बस, यही 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेजर तीनों ही स्केच आपको एक्सप्लेन करने हैं. इसके अलावा इसमें दो टॉपिक जो आगे हैं वो डिलीट कर दिए गए, वो आपको एक्सप्लेन नहीं करने हैं, यानी स्टडी नहीं करने हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. सो स्टूडेंट, बात करते हैं अपनी थ्री मेजर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें वो कौन कौन सी थ्री मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी थी. सबसे पहले आता है उसमें फर्स्ट नंबर पर लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन के बाद आता है आपका प्राइवेटलाइजेशन. प्राइवेटलाइजेशन के बाद आता है ग्लोबलाइजेशन. सो स्टूडेंट, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो सारी साथ साइड में स्क्रीन पे भी शो होता रहेगा. सो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा या फिर वहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा. सो ये जो थ्री मेजर पॉलिसी थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये जितनी भी पॉलिसी थी इनके कुछ ना कुछ इफेक्ट थे, यानी आप बोले तो इनको एक तरह से LPZV शॉर्ट में इनको बोलते हैं. बहुत सी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि LPZ की फुल फॉर्म क्या है या LPZ किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है. सो ये साइंस में भी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन आपको वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है. आपको L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटलाइजेशन, NG से ग्लोबलाइजेशन. उसके बाद बात करते हैं इसमें से जो हमारा फर्स्ट नंबर का है पॉइंट, यानी लिबरलाइजेशन. सो जैसे कि लिबरलाइजेशन, लिबर का मतलब होता है डिस्काउंट, छूट, यानी एक तरह से छूट को प्रोवाइड करना. यानी उस टाइम क्या हुआ था, 1991 से पहले हमारे जो मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी. उसमें क्या होता था कि हर चीज़ के लिए, हर छोटे से छोटे बिजनेस के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती थी. सो उस टाइम लाइसेंस के साथ साथ कुछ ऐसा भी होता था कि जैसे सपोज़ कीजिए आपकी कंपनी कुछ चार बिजनेस अगर करती है तो चार बिजनेस से ऊपर कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती है. यानी काफ़ी सारे आपके सामने बहुत सारी कंडीशन अप्लाई की जाती थी जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट भी नहीं मिल पाता था. सो 1991 के बाद क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, काफ़ी छूट आपको प्रोवाइड की गई. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो लाइसेंस की ज़रूरत होती थी वो लाइसेंस ख़त्म कर दिए गए, यानी आपको सिर्फ एक बिजनेस के लिए एक ही लाइसेंस की आवश्यकता होती है. तो उस टाइम जितने भी लाइसेंस वगैरह थे वो सब कुछ ख़त्म कर दिए गए थे. उसके बाद बात करें तो जो कंट्रोल होता था वो जितना भी होता था वो इंडस्ट्री का अपना खुद का ही होता था. उसके बाद बात करते हैं हम जितने भी जैसे कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते थे उसमें भी काफ़ी छूट दी गई थी. उसके बाद जितना भी आपका गुड्स और सर्विस था उसमें भी मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने में उसमें भी बहुत सारा आपको फ्रीडम मिल चुका था 1991 के बाद. और साथ ही साथ जो आपकी गुड्स और सर्विस थी उसके फिक्सिंग प्राइस में भी आपको बहुत सारा लिबरलाइजेशन मिल चुका था, यानी बहुत सारी छूट मिल चुकी थी. यानी जो भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस था वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिक्स कर सकते थे. तो लिबरलाइजेशन का यहाँ पे यही मीन है. लिबरलाइजेशन का मीन्स होता है कि बहुत सारी आपको छूट, यानी बहुत सारे आपको ऑफर प्रोवाइड कर दिए गए थे, जिसमें आपको एक तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी किसी छोटे बिजनेस को चलाने के लिए. अगर आपको कोई बिज़नेस बड़ी मात्रा में चलाना भी था तो आपको सिर्फ एक लाइसेंस की ज़रूरत थी, बाकी कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते थे. साथ ही साथ जो आपके गुड्स और सर्विस के प्राइस थे वो भी आप अपने आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मटेरियल के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते थे. सो ये सब कुछ आता है लिबरलाइजेशन के अंदर. अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर का पॉइंट, प्राइवेटलाइजेशन. सो यहाँ पे प्राइवेटलाइजेशन, जैसा कि आपको वर्ड से ही पता लग रहा है कि प्राइवेट,
यानी जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, आप गवर्नमेंट क्या है कि पब्लिक सेक्टर को तो नहीं चला सकती थी सभी को, सो उसने कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी आपको परमिशन दे दी, यानी आप अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री, अपना जो भी बिजनेस है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी ले जा सकते हैं, यानी उसको प्राइवेट सेक्टर की तरह भी चला सकते हैं। सो स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ था कि जितना भी आपका प्राइवेटलाइजेशन था उसका मीन यही था कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ना, यानी प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ये सब कुछ आता था आपका प्राइवेटलाइजेशन में। यानी इसमें क्या कर दिया गया था, जैसे पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट में इतना पैसा नहीं होता था उस टाइम पे, तो उसने क्या किया था, ऐसे देखते हुए कि कहीं गवर्नमेंट की जो हालत है वो ख़राब ना हो जाए, तो उसने क्या किया था, उसने प्राइवेटलाइजेशन कर दिया था, यानी सारी चीज़ों को प्राइवेट इंडस्ट्री में बदल दिया था। जिससे क्या होता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा प्राइवेट में होता है कि पहले पैसा उसके बाद काम, तो यही था कि जब मतलब पैसा मिलेगा तभी काम होगा, तो इसीलिए इसने क्या किया था, इसको देखते हुए प्राइवेटलाइजेशन कर दिया था, यानी पब्लिक सेक्टर से प्राइवेटलाइजेशन, यानी प्राइवेट कंपनियों की तरफ उसको आगे कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं अपना थर्ड नंबर का पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि वर्ड से ही पता लग रहा है, ग्लोबल, ग्लोबल का यहाँ पे मीन होता है वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया से। यानी क्या हुआ था उस टाइम, जो भी बिजनेस होता था वो सिर्फ अपने देश के अंदर होता था या फिर अपने जो शहर है उसके अंदर होता था, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन आ गया ताकि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो पूरे वर्ल्ड के साथ हो, यानी फॉरेन एक्सचेंज हो या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी कर रहे हैं हम, वो एक तरह से ग्लोबल मार्केटिंग में हो, यानी एक तरह से पूरे वर्ल्ड में हो। सो इसके लिए भी बहुत सारे आपको ऑफ़र प्रोवाइड किए गए थे, जैसे बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस पर जो भी फीस वगैरह टैक्स वगैरह था वो लेस कर दिया गया था। उसके साथ साथ जितने भी आपके कुछ रूल्स रेगुलेशन थे उसमें भी कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र कर दिया गया था। सो ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे यही मीन है कि पूरी दुनिया के साथ जुड़ना, यानी एक बिजनेस को पूरी दुनिया के साथ जोड़ा गया था। सो ये होता है इसमें ग्लोबलाइजेशन का मतलब। सो गाइस स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके तीनों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसमें आपका लिबरलाइजेशन यानी कुछ ऑफ़र प्रोवाइड करा देना, जैसे कि आपके लाइसेंस वगैरह पे जो भी मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म कर दी गई थी, साथ ही साथ आपको गुड्स और सर्विस के फिक्स जो प्राइस थे वो भी करने की परमिशन मिल चुकी थी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें प्राइवेटलाइजेशन की, तो प्राइवेटलाइजेशन जैसे वर्ड से ही पता लग रहा है, प्राइवेट यानी उस टाइम क्या था, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलने की परमिशन मिल चुकी थी। उसके बाद ग्लोबल का मतलब करा था पूरी दुनिया को, यानी पूरी दुनिया में आप अपना बिजनेस कर सकते थे कहीं भी चाहें, और बहुत ही लेस यानी डिस्काउंट प्राइस पर आप अपना बिजनेस कर सकते थे। तो ये हो गए अपने 1991 की थ्री न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिनको तीन पिलर भी कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशन, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी उसमें डेवलपमेंट हुआ और आज भी हो रहा है। सो ये हमारी जो वीडियो थी आज की गाइस, आज यहीं पे ही ये कंप्लीट हो चुकी है, और जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी चैप्टर नंबर 4 पे, और जैसा मैंने अभी आपको बताया इसके बाद भी दो टॉपिक और हैं, एक तो है इम्पैक्ट और साथ ही साथ एक डिमोनिटाइजेशन जो कि कैंसिल कर दिए हैं CBSE ने, सो हमें उसे स्टडी नहीं करना है। सो आज फिलहाल के लिए यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 13, चैप्टर नंबर 4, प्लानिंग।